आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आपने वायु, जल, मृदा के बारे में अध्ययन किया। आइए इस वीडियो में इन वायु, जल, मृदा में होने वाले जैव रासायनिक चक्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? पदार्थ जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। क्या आपको पता है कि ये पदार्थ वायुमंडल में एक स्थिर मात्रा में पाए जाते हैं? पर कैसे, कभी सोचा है? आइए चलो जानते हैं जैव रासायनिक चक्रण के द्वारा। सबसे पहले जलीय चक्र। दोस्तों, हमें बारिश कितनी अच्छी लगती है, पर कभी आपने सोचा है ये बारिश आखिर होती कैसे? आइए चले जानते हैं। दिन के समय धूप की वजह से जलीय भाग जल वाष्प में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पर ये जल वाष्प आसमान में कैसे चले जाते हैं, सोचिए। दरअसल दिन के समय धूप के कारण वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हमेशा ऊपर उड़ती है। इन्हीं गर्म वायु के साथ जल वाष्प मिल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। ऊपर तापमान कम होता है जिसकी वजह से ये जल वाष्प ठंडी होने लगती है और पानी की बूंदें बनाती है। ऊपर ये छोटी छोटी बूंदें धूल के कण और दूसरे निलंबित कणों के साथ मिलकर बादल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। लगातार संघनन के कारण ये बादल भारी हो जाते हैं और भारी होने की वजह से पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। इसी प्रक्रिया को बारिश कहते हैं। कई बार तापमान के कम होने से ओले या बर्फ भी गिरती है। पृथ्वी पर गिरने वाला कुछ पानी जमीन में रिसता है और भूजल के रूप में उपलब्ध होता है। इस भूजल का कुछ भाग स्प्रिंग के माध्यम से सतह तक आ जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस भूजल को भी हम सतह पर लाते हैं? पर कैसे, सोचिए। कुआं या नलकूप, यानी कि ट्यूबवेल के माध्यम से। दोस्तों, जल का कुछ भाग चट्टान के ऊपर से बहता है। इसी चट्टानों में मौजूद घुलनशील खनिज पानी में घुल जाते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। इसी प्रकार बारिश का पानी भूमि से समुद्र तक कई पोषक तत्व ले जाते हैं और इनका उपयोग समुद्री जीव करते हैं। दोस्तों, तो क्या देखा आपने? पानी जलाशय से वाष्पित हो जाता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है और समुद्र में मिल जाता है और फिर जलाशय से वाष्पित होता है, तो क्या बना? एक चक्र। इसी चक्र को जलीय चक्र कहा जाता है, नाइट्रोजन चक्र। जल चक्र के बाद आइए जानते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। दोस्तों, क्या नाइट्रोजन हम सबके लिए जरूरी है, सोचो। जी हाँ दोस्तों, सभी जीवों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यूरिया जैसे यौगिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सभी जीवों में मौजूद है। क्या ये नाइट्रोजन वायुमंडल में भी मौजूद है, सोचो जरा। जी हाँ, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है और इसकी मात्रा स्थिर रहती है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की तरह वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है, बताइए। जी नहीं। पर कभी सोचा है पेड़ और जानवरों को नाइट्रोजन कैसे मिलता होगा, सोचो जरा। आइए जानते हैं इस नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से। सबसे पहले वायुमंडल नाइट्रोजन को विभिन्न नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थितीकरण कहा जाता है। ये प्रतिक्रिया मृदा में मौजूद नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया और मूंगफली जैसे फलीदार पौधों की जड़ में रहते राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। क्या इसके अलावा भी नाइट्रोजन कोई और तरीके से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित होता है? जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन को बिजली की मदद से नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। पर कभी सोचा है कैसे, आइए जानते हैं। बिजली कड़कते समय वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलकर
अमोनियम बनाता है जो बारिश के साथ नीचे आकर मृदा में मिल जाता है। क्या अभी पेड़ अमोनियम यौगिकों को अवशोषित कर सकते हैं? सोचो जरा। जी नहीं, यौगिकों को पौधे अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए मृदा में मौजूद बैक्टीरिया अमोनियम यौगिकों को उपयोगी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में परिवर्तित करते हैं और इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब इन अमोनियम यौगिकों को पौधे अवशोषित करते हैं और जब पौधे जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो ये जानवरों के शरीर में प्रवेश करता है और इसी तरह पेड़ और जानवर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चला पेड़ और जानवरों को कैसे नाइट्रोजन मिलता है? पर आपने कभी ये सोचा है कि नाइट्रोजन धरती से वायुमंडल में जाता कैसे? आइए जानते हैं। जब पेड़ और जानवर मर जाते हैं तो उनका शरीर बैक्टीरिया विघटित करते हैं और शरीर में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहा जाता है। मृदा में मौजूद कुछ विशेष बैक्टीरिया जिनको डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रोजन वायुमंडल में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है और छोड़ा जाता है और इसको नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है, कार्बन चक्र। दोस्तों, नाइट्रोजन की तरह कार्बन भी सभी जीवित जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल जैसे यौगिकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपको पता है वायुमंडल में कार्बन कौन से रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का लगभग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी मात्रा भी स्थिर है। पर कभी सोचा है कैसे? आइए जानते हैं ये कार्बन चक्र से। पेड़ वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके अलावा पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री जानवर अवशोषित करते हैं और इससे कवच बनाते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और दोस्तों, ये वायुमंडल में वापस कैसे जाता है, क्या भी सोचा है? आइए जानते हैं। कोयला और जीवाश्म ईंधन जलने और श्वसन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कार्बन को अवशोषित कर वापस वायुमंडल में कैसे छोड़ा जाता है। लेकिन मनुष्य इस कार्बन चक्र को प्रभावित कर रहा है। दिन प्रतिदिन मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल जला रहा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलता जा रहा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम पेड़ों का होता है। पर मनुष्य पेड़ों को भी काटता जा रहा है जिससे वायुमंडल में काफी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दोस्तों, ऑक्सीजन चक्र। दोस्तों, ऑक्सीजन सभी जीवित जीवों के लिए कितना जरूरी है, क्या बता सकते हैं ऑक्सीजन जरूरी क्यों है? सोचो जरा। ऑक्सीजन जीवित प्राणियों के श्वसन के लिए जरूरी है और यह जलन के लिए भी जरूरी है। वायुमंडल का लगभग 21% ऑक्सीजन है। आइए चलो देखते ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कैसे स्थिर रहती है। मनुष्य और जानवर श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है जिससे वे भोजन और ऑक्सीजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में संग्रहित करता है और जब कोई जानवर पेड़ का उपभोग करता है तो ग्लूकोज जानवरों के शरीर में प्रवेश करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन को वायुमंडल में अवशोषित और छोड़ा जाता है और इसकी मात्रा स्थिर रहती है। सारांश। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा? जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र।